तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, और ये खासकर चार भाइयों के लिए दोस्तों डिजाइन किया गया है, जिसमें दो भाई नीचे एडजस्ट होंगे और दो भाई ऊपर एडजस्ट होंगे। हमारे एक पेड यूजर थे, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस हाउस को मैंने क्रिएट किया है। हालांकि उनका आगे किसी और का जमीन है, सिर्फ उनको 10 फीट का ये रोड दिखे, आपको दिख रहा होगा ये रोड गया है और इसी रोड से उनकी एंट्री होती, बाद बाकी पीछे उनकी जगह है। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आज इस हाउस को हम क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम एरिया की बात करें तो इसका जो ओवरऑल इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, वो 61 फिट है, और इसकी गहराई की बात करें, लंबाई की बात करें, 43 है। ये इसका 43 फिट है और ये इसका 61 फिट में पूरा बना है। और ये दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में बना है, इस वजह से यहाँ पर आपको वारंदे वगैरह का डिज़ाइन मैंने दिया है, और उनको जो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने क्रिएट किया है। तो अभी आज हम पूरा मॉडल डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो आपको पूरा देखना है, इससे आपको हमारे सारे डिजाइंस वगैरह अपडेट मिलते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, अगर आज हाउस बनवा रहे हैं या भविष्य में कभी बनवा रहे हैं तो आपको कभी ना कभी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और कोई भी पेड सर्विस अगर हमारी लेना चाहते हैं, किसी प्रकार घर का नक्शा वगैरह बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा। वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं लगेगा, इसका विशेष ध्यान रखें, और व्हाट्सअप पर मुझे कॉन्टेक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस बनवा सकते हैं। बट वहाँ पर 50% पेमेंट एडवांस करना होता है, 50% बाद में करना होता है, और पेमेंट तभी आप करें जब आपकी हमसे बात हो जाए। कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज का मॉडल हम आपके सामने डिस्क्राइब कर देते हैं। पहले हम इसे मैक्सिमम जूम कर देते हैं जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। तो लेफ्ट और राइट साइड देख सकते हैं, एक एक बेडरूम बना है और बीच में बारंदा है एक बेहतरीन सा, और सिमिलर बिल्कुल मॉडल फर्स्ट फ्लोर पर भी बना है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सिमिलर है, सिर्फ आपका जो बालकनी आगे है वो सिर्फ डिफरेंट यहाँ पर नजर आ रही होगी। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचेंगे तो ये देखिएगा, क्योंकि मॉडल की लंबाई चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा जूम नहीं कर सकते, बाद बाकी फिर आपको स्क्रीन से दिखना बंद हो जाएगा। तो ये देखिएगा सेंटर है, सेंटर में ये मेन डोर लगा हुआ है, इसके दोनों तरफ छोटे छोटे विंडो लगे हैं। इसके बाद ये स्टेयर से आप जैसे ऊपर जाएंगे तो पहले सबसे पहले 5 फीट का आपको ग्रीन एरिया या प्लेइंग एरिया मिल जाता है, आगे देख सकते हैं। इसके बाद ये बारंदे का डिज़ाइन है, तो जैसे अंदर पहुंचते ये पूरा एक बारंदा है जिसमें चार आपके पिलर हैं, चार पिलर पर बना हुआ है, और ये बीम का डिज़ाइन यू शेप में यहाँ पर मैंने दिया है। इसके बाद अंदर जाते हैं तो ये एक बारंदे का डिज़ाइन, और यहाँ से ही अभी आपको सब कुछ समझाएंगे। तो ये मेन डोर है, सेंटर वाला डोर, तो इधर से दोस्तों एक गैलरी गई है पीछे की तरफ, देख सकते हैं ये पूरी गैलरी घर को दो भागों में डिवाइड करती है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा ये राइट हैंड ये वाले पोर्शन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बारंदे से अटैच एक गेस्ट रूम आपको देखने को मिलता है, जिसमें ये विंडो लगा हुआ है, इसके लिए डोर यहाँ से देखिए मैंने दिया है, ये गेस्ट रूम है। इसके बाद अगर आप गैलरी से एंट्री करते हैं तो ये गैलरी आपको सेपरेट करती है, पूरे मकान को पीछे से ले जाती है। अब इस मकान में मतलब राइट हैंड वाले मकान में अगर आपको एंट्री करनी है तो इसके लिए आपको ये डोर दिया है, देख सकते हैं ये डोर यहाँ से एंट्री करेंगे, एक विंडो भी दिया है। तो आप यहाँ पर आ जाते हैं डाइनिंग हॉल में, डाइनिंग हॉल में आने के बाद इधर का देखते हैं, ये आपका किचन है और ये पूजा घर है। इसके सबसे पीछे आपको ये दो बेडरूम मिल जाते हैं। अब इस दो बेडरूम की बात करें तो पीछे से दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों बेडरूम में अलग अलग डोर दिए हैं, आपको दोनों तरफ लेट एंड बाथ मिलते हैं, देखिए इस कॉर्नर पर भी है और इस कॉर्नर बीच में आपको वेंटिलेटर या ओटीएस मिलता है, ओपन स्पेस है ना। इस ओपन स्पेस में जाने के लिए इस वाले बेडरूम से मैंने डोर दिए हैं। अब इस ओपन स्पेस से आप दोस्तों यहाँ पर मैंने विंडो दिया है, इस वाले बेडरूम में ये अटैच लेट एंड बाथ है, और एक सेपरेट लेट बात है जो कि आपको गैलरी से जाना होगा पीछे, और इसके बाद ये इसे एक्सेस कर पाएंगे, है ना। तो इस वाले राइट हैंड पोर्शन की बात करें तो 3 बेडरूम मिलते हैं, 2 बेडरूम इधर, ये आपका गेस्ट रूम, ये किचन, ये पूजा घर, 2 पीछे लेट एंड बात और ओटीएस, और ये आपका डाइनिंग हॉल। तो बारंदा तो बिल्कुल कॉमन है दोनों में। इसके बाद अगर बात करें पीछे, तो आप जैसे पीछे जाते हैं इस गैलरी से तो यहाँ पर स्टेयर्स हैं, टर्न होकर वापस आएंगे, और इसी गैलरी से एक डोर दिया है जो आप इस वाले लेट एंड बाथ को एक्सेस कर पाएंगे। बात करते हैं लेफ्ट हैंड की, सिमिलर प्लान है दोस्तों, इधर भी एक गेस्ट रूम आपको मिलता है फ्रंट में, ये देखिएगा विंडो है, ये आपका डोर है और ये डाइनिंग हॉल है। इसके बाद सबसे पीछे 2 बेडरूम मिलते हैं और लेट बाथ कॉर्नर पर, बीच में ओटीएस, और ये आपका किचन और पूजा घर।
तो ये सिमिलर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में दो भाइयों के लिए आपको डिजाइन बनकर रेडी हो जाता है, जिसमें कि तीन तीन बेडरूम है। राइट हैंड में 3 बेडरूम है, लेफ्ट हैंड में 3 बेडरूम है, टोटल 6 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर है। ऐसा सिमिलर प्लान आपको फर्स्ट फ्लोर पर भी मिलेगा। तो देखिए, पहले आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा प्लान, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने की कोशिश की। जब इसका 2D मॉडल मैंने दिया था हमारे जो सब्सक्राइबर थे, तो उनको सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है। देख सकते मेन आपका फ्रंट एलिवेशन वगैरह ऐसा दिखने वाला है। तो अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, घर के नक्शे बनवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीन पर भी व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। जैसा आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचते हैं, तो सिमिलर प्लान कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। लेफ्ट हैंड में भी आपके दोस्तों, राइट हैंड में फिर से वही 3 बेडरूम, लेट बाथ, पूजा घर और पीछे बेडरूम वगैरह, और लेफ्ट हैंड में भी सारा प्लान सिमिलर ही है आपका, देख सकते हैं। सिर्फ आगे के बालकनी को मैंने इंक्रीज कर दिया, बारंदे को भी एज अ बालकनी कन्वर्ट कर दिया। बाद बाकी फ्रंट से सारा लुक वगैरह सब कुछ सेम है, देख सकते हैं आपको। सिर्फ अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। लास्ट फ्लोर पर आपको स्टेयर्स वाला एरिया और पीछे स्टेयर्स के जस्ट जो पीछे एरिया था, उन दोनों को कवर कर दिया है। पूरी गैलरी को कवर करते हुए गुमटी को बनाया है बड़ा सा, इसी वजह से गुमटी दिख रहा है। और ये डोर और विंडो वगैरह वेंटिलेशन के लिए। तो ये ओवरऑल मकान बनकर रेडी होता है 61x43 फीट में। और अब ग्राउंड फ्लोर पर दो भाई, ये टोटल 4 भाई हैं, और सभी को सेपरेट घर चाहिए था, तो इसमें 4 फैमिली आराम से रह सकती हैं। हर एक फैमिली के लिए 3 बेडरूम, 2 लेट बाथ, 1 किचन, 1 पूजा घर, डाइनिंग हॉल वगैरह मिलता है। तो ऐसी 4 फैमिलीज में आराम से एडजस्ट हो सकती है। तो बहुत ही बेहतरीन प्लान है 4 भाइयों के लिए। अगर आपके घर पे 4 भाई और आप चाहते हैं कि फ्रंट से मकान बिल्कुल सिमिलर दिखे और अंदर सेपरेशन हो, तो ये मकान आप यह डिजाइन पसंद कर सकते हैं। या आपके पास कोई और भी रीज़न हो सकता है 4 फ्लोर बनवाने का, तो ये पूरा मकान है। तो अगर आप ऐसे मकान चाहते हैं, आप 3 भाई हों, 2 भाई हों, 4 भाई हों, जितने भी भाई हों, उसके अकॉर्डिंग मकान चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।